रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाजरीन, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो एक सादा घरेलू औरत जिसने अपने मियाँ के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम किया और फिर अपनी कामयाबी का सफ़र उनको एहलिया गवर्नर के तौर पे दुनिया के सामने लेके आई और उन्होंने वो सारे काम किए जो उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल थे। एक अच्छी बीवी, एक बेहतरीन शफीक माँ और उसके साथ साथ जो भी चैरिटी वर्क, विमेन एम्पावरमेंट, हुनरगा और सिलाई सेंटर, इस जैसे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया। इस वक्त वो सर्वर फाउंडेशन की 22 चेयरपर्सन के तौर पे काम कर रही हैं और अपने तमाम फ़राइज़ मनसबी को बेहतरीन तरीके से सरंजाम दे रही हैं। तो मिलते हैं मोहतरमा परवीन सर्वर, एहलिया गवर्नर पंजाब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया, गो के हम आम तौर पर अपना मेहमान बनाते हैं, आज हम आपके मेहमान भी बने हैं और आपके साथ आपकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हम आपको अपनी यंग जनरेशन से मिलवाएं जिनके सामने लिविंग रोल मॉडल के तौर पे हम आपको पेश करें। आपने एक सादा सा ज़िंदगी का सफ़र, लाइक आपने फैसलाबाद से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से गवर्नर हाउस पंजाब तक का सफ़र किया और इसमें आपने अपनी आजजी, इनकसारी और सादगी को कहीं नहीं जाने दिया और फिर भी कामयाबियों की सीढ़ी को जीना बजीना तय करती चली गई। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि ये सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया और इस वक्त तक जहाँ आप खड़ी हैं, आप खुद को कहाँ महसूस करती हैं? असल में आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, तो तकरीबन 4 या 5 साल की थी मैं जब हम लोग यूके गए। मेरे अबू वहाँ रहते थे बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब मैं वहाँ गई हूँ, आई वॉज द ओनली मुस्लिम गर्ल इन स्कूल। फिर मेरे अबू ने, जब हम घर आते थे, बेशक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने हमें सबको, मेरे भाइयों को, मुझे कहा भी आप लोगों ने घर पर आके अपनी ज़बान पर बात करनी है। हमारी ज़बान थी पंजाबी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर पंजाबी स्पीकिंग, पंजाबी में हम बात करते थे। घर आके मैंने अपनी शलवार कमीज पहनती थी, मेरे अबू कहते थे मैं आपको यूनिफॉर्म में नहीं देखना चाहता। सो वी हैड अ वेरी क्लोज फैमिली, हम ही एक दूसरे के दोस्त थे, हम ही एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते थे। कुरान पाक मैंने अपने भाइयों से, बहन से सीखा, अपने अबू से सीखा, नमाज मैंने उन्हीं से सीखी, वहाँ रह के रोज़ा भी रखते थे, ईद को भी मनाते थे, और बल्कि जो हमारी स्कॉटिश फ्रेंड्स हैं उनको मैं इनवाइट करती थी, ईद वाले दिन भी आप लोगों ने हमारे साथ आना है, खाना खाना है, ताकि उनको भी हमारे ट्रेडिशंस का पता चले। एंड आई हैड अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग। मेरे ख्याल से जो हमारे सबसे पहले जो रोल मॉडल्स होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, साथ साथ अगर वी आर फॉर्चुनेट टू हैव आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। मैंने अपना ताया नहीं देखा, फूफी नहीं देखी, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा, सिवाय अपनी नानी को एक दफ़ा मैं मिली हूँ व्हेन आई वाज 17, जब मैंने पाकिस्तान को रिविज़िट किया थी एज ऑफ 17। फिर मेरे जो अब्बू थे, उन्होंने घर में हर चीज़ हमने उनसे ही सीखी, और मेरे 3 भाई थे, जो मेरी सबसे बड़ी बहन, उसकी शादी हो गई थी एट एज ऑफ 16 मेरे ताए के बेटे के साथ। इंग्लैंड में ही हुई थी? यहाँ मेरे अबू आए, मेरे बहन की शादी ताए के घर की, और मेरे भाई बहन को, ब्रदर इन लॉ को और मेरे बड़े भाई को साथ ले गए। उसके बाद मेरी अम्मी ने कहा भी हमने यहाँ नहीं रहना, सो वी जॉइन देम इन द यूके। तो हमारा बहुत अच्छा एक फैमिली नेटवर्क था, हर बात हम एक दूसरे से करते थे। दिस इज वेयर वी लर्न आवर फैमिली वैल्यूज। अच्छा, तो उस जमाने में आपने जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस को फेस किया, यानी आप स्कूल में कह रही हैं कि मैं अकेली लड़की थी जो मुस्लिम थी, तो वहाँ सोशल सर्कल में आपने कैसे सरवाइव किया, क्या किया? वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बल्कि मेरी दोस्त मुझे लेने आती थी जब हमें स्कूल जाना होता था। फिर क्योंकि हमारा वैसे भी हमारी आदत है, हमारी रस्म है, हमने लोगों को कहना आप आके हमारे साथ खाना खा लो, हमारा माहौल ही ऐसा है, तो उनको साथ ऐसे मिलाना,
और साथ लेके जाना. फिर देन आई हैड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स बिटवीन 8 and 10 जो हमारा एक ग्रुप था. वहाँ कभी भी कोई भी फंक्शन होता था जहाँ वहाँ ट्रेनिंग कोर्सेस होते थे, बिकॉज माई फादर वॉज ओनली मुस्लिम, तो हर एक टीचर हर एक कम्युनिटी का बंदा उनको जानता था. तो उन्होंने मेरे अबू को कहना भी हमने ये कोर्सेस शुरू करने हैं, चाहे वो फर्स्ट एड की होते थे चाहे कुछ भी होना. तो मेरे अबू सबसे पहले मेरा नाम लिखते थे, कहते थे माई डॉटर विल ज्वाइन एंड हर फ्रेंड्स विल ज्वाइन. सो आई लर्नड वेरियस कोर्सेस और कोई कोर्स ज़ाया नहीं जाता, क्योंकि आगे जाके माँ बनना बीवी बनना दे ऑल कम टू यूज इन सम वे और अनदर. अच्छा, उस जमाने की कौन सी चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं कि मैं जो आपको लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस की और अगर अब लोग वहाँ पे जाके मूव करके रहें तो ये करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उस ज़माने की कुछ चीज़ें जो हमारे यंगस्टर वहाँ जाके सेटल होते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा शेयर करें. सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए ये था, उस वक़्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, मीडिया नहीं था, डेट हमारा एक क्लोज रिलेशन था बिटवीन आवर पेरेंट्स और हर चीज़ मैं अपने अबू के साथ शेयर करती थी, विच इज़ वेरी अनयूशल, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा हमारे मुल्क में जो मर्द होता है वो घर जाता है तो बेटी को कहता है जाओ बेटा देखो आपकी माँ क्या कर रही है, अपनी बेटी को टाइम नहीं देते. तो मैं कहती हूँ जितना टाइम आप अपने लड़कों को देते हैं उससे ज़्यादा टाइम अपनी बेटियों को देना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत औरत बनेगी, उसके अलावा उसको ये भी होगा दैट यू नो शी विल हैव नाइस मेमोरीज, एक अच्छी यादें साथ लेके जाएगी एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो जब हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं उनको मेरा यही होगा भी जब आपने वहाँ जाना यू हैव टू सेलेक्ट योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, क्योंकि जो दोस्त अच्छे होते हैं वो भी एक नेमत होती है, वो आपको अच्छे बुरे से रोकते हैं भी आपने यही नहीं करना वहाँ नहीं जाना. And having a good circle of friends is very important. बिल्कुल. तो हम आगे चलते हैं. तो जब आप शादी हुई आपकी और आपने सरवर साहब के साथ मिल के अपना घर बार शुरू किया तो उसमें आपको क्या लगा कि सरवर साहब तो फैसलाबाद से ही गए थे, उनकी सारी ब्रॉटअप जो है वो फैसलाबाद की थी और आपकी सारी जो है वो वहाँ स्कॉटलैंड की थी, तो फिर उसमें आपको क्या मुश्किल पेश आई? बाज़ दफ़ा ये भी होता है अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी हो तो उनके साथ है ना कोई अनपढ़ के साथ शादी कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है. सरवर साहब इस वेल एजुकेटेड, फैसलाबाद में रहे, बोर्डिंग स्कूल में रहे, तो इनका उठना बैठना हमेशा बड़े लोगों के साथ रहा और मेरे ख्याल से वैसे सब में पॉलिशिंग अ चाइल्ड इज वेल, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ मिलते हैं जितना ज़्यादा लोगों से मिले उतना यू लर्न फ्रॉम वन अनदर. और जितनी तरह यानी अगर अच्छी तरह के लोगों से मिलते हैं तो फिर आपकी अंदर वही सारी खूबियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं. मैं जब आई थी पाकिस्तान में एट एज ऑफ 17 तो उस वक्त सरवर साहब हमें एयरपोर्ट लेने आए थे एंड ही इज़ माई चाचा सन. तो जब ये एयरपोर्ट में आए तो उन्होंने एयरफोर्स ग्रीन कुर्ता शलवार पहना था, बालों को तेल लगा के अच्छी तरह कंघी की हुई थी, आपको इम्प्रेस करने के लिए उस वक्त पता नहीं. एंड एनीवे जब मैंने इनको देखा जब भी ये बैठते थे लोगों जो इनसे लोग बड़े थे उनके साथ बैठते थे, कभी किसी का ख़त लिख रहे हैं, कभी किसी का ख़त पढ़ रहे हैं, कभी गांव में कुछ हो रहा है उनके साथ बातें कर रहे हैं. आई सॉ दैट ही वाज वेरी मैच्योर फॉर हिज एज. उसके बाद शादी का फैसला पेरेंट्स ने भी किया और इनका भी था भी मैंने ताई के घर शादी करवानी है करनी है. और आपका क्या था? मेरा भी एक हिसाब इज़ वेरी क्लोज टू माई फादर एंड हिज ओपिनियन वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टू मी. और मुझे यही था भी मेरे अब्बू मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकते. और दूसरा मेरे ख्याल से मेरे अब्बू के जेन में ये भी था भी यही एक वजह थी जो मुझे पाकिस्तान में लेके आए ताकि खुद मैं थोड़ा सा इनको देख लूँ या मुझे देख लें, क्योंकि मेरे सारे भाइयों की दे वर ऑल अरेंज्ड मैरिजेस बट मेरे मामले में बिकॉज आई एम अ गर्ल ऑफ अ वुमन तो उन्होंने उनको इसको ज़्यादा फिक्रमंद समझा और ज़्यादा ज़रूरी समझा दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मीटिंग सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो उसके बाद इवन जब मेरी शादी भी हुई है
तो जिस दिन मैंने रुखसत होना था तो मेरे अबू मुझे एक साइड पे ले गए, तो मैंने सोचा मेरे अबू मुझे बड़ी हग करेंगे, प्यार करेंगे, तो जैसे एक बेटी को एक बाप करता है। तो मेरे अबू मुझे कहने लगे भी बेटा, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन पीस ऑफ एडवाइस, तो अगर आप ये बात, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं पल्लू से बांध लोगी तो यू विल बी फाइन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो उन्होंने मुझे कहा भी जैसे बाकी औरतें हैं वो हर वक्त ज़िद करती भी आपने मुझे तोहफा नहीं लेके दिया, जेवर नहीं लेके दिया, कपड़े नहीं लेके दिए, तो उसी वजह से रिलेशन जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपने मेहनत करनी है और साथ देना और मिलके चलना। सो आई रिमेम्बर्ड माई फादर्स वर्ड्स और तीसरे दिन मैं इनके साथ दुकान पे चली गई थी। बहुत खूब, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वो लड़कियाँ जिनके फादर अटैच्ड होती हैं उनके साथ और वो उनको ओपन माइंडेडनेस के साथ मौका देते हैं आगे बढ़ने का, वो बच्चियाँ बहुत आगे जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऑपोजिट जेंडर की तरफ से सपोर्टिंग रोल हो जाता है ना। यानी अगर हस्बैंड है, बाप है, बेटा है, भाई है, वो आपको हेल्प कर रहा है तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके फादर ने ये रोल प्ले किया आपकी ज़िंदगी में, और फिर आपको आगे हस्बैंड भी मिले तो वो भी मेरा ख्याल है इसी तरह सपोर्टिंग थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि उन्होंने किस तरह इम्पैक्ट किया? सरवर साहब में एक बहुत बड़ी खूबी है, या इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि मैंने बताया दैट हम वहाँ रहते थे, मैंने आटा गूंदना सीखा अपने अब्बू से, हांडी पहली मैंने दफ़ा जो बनाई मैंने अपने अब्बू से सीखी, एंड उसके बाद जो मेरी शादी होगी चंद डिशेस मुझे आती थी, चटपटी चीज़ें हम बना लेते थे जैसे शामी कबाब और समोसे वगैरह, बाकी खाना नहीं जो आता खाना था। अच्छा लगता था वो बना लेते थे, बाकी खाना मुझे नहीं आता था। तो सरवर साहब में ये खूबी थी भी अगर कुछ भी मैं बना के उनके आगे रख देती थी, पूछती थी तो कहते थे ये बहुत अच्छा। और जिस दिन घर में खाना नहीं होता था, नहीं हम बनाते थे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये कहते थे नहीं मैंने दोस्तों के साथ जाना, फिर घर आ गए नहीं नहीं मैंने खाना नहीं खाया, आई वाज टू बिज़ी। अगर मैंने इनको कह दिया भी मैंने आज खाना नहीं बनाया तो आगे से कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो और सॉर टोस्ट बना दो। इन्होंने कभी मुझे ये कहा ही नहीं था भी आपने ये नहीं अच्छा बनाया, ये नहीं कही है, या घर की सफाई नहीं की, वो चीज़ें वहाँ क्यों पड़ी है, यानी तनकीद स्टाइल नहीं है ना, क्रिटिसिज्म नहीं बहुत करते, कभी नहीं उन्होंने कहा, सुकून रहता है, क्योंकि मैं तो पहली हर चीज़ अपनी जगह पे रखती हूँ, मुझे आदत भी है, और अगर कभी कभार कोई चीज़ें पड़ी भी हो इन्होंने कभी नहीं कहा। अच्छा चलिए अब और आगे चलते हैं, आप वहाँ से फिर गवर्नर हाउस आई और जिंदगी थोड़ी सी तब्दील हुई, फिर क्या रोल था आपका? पहले तो आपने वहाँ बच्चों को संभाला होगा ना, और स्कॉटलैंड में जो कुछ आपने अर्ली चाइल्डहुड में खुद लर्न किया, 5 साल का बच्चा छोटा ही होता है, उसी को आपने मेरा ख्याल प्रैक्टिस किया होगा बच्चों पे, और उनको भी आपने इनलाइटेंड, माशाल्लाह इतनी बहुत लाइक बच्चे हैं आपके, उनको पाला आपने। फिर आप जब यहाँ आई तो फिर यहाँ की ज़िंदगी में आपने फिर किस तरह से, कैसे अपना रोल, इस वक्त आप माशाल्लाह इतने काम कर रही हैं, ये रोल आपने अपने लिए कैसे डिटरमिन किया? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे बड़ा शौक़ था, वहाँ जो ओल्ड होम था तो मैं वहाँ वीकेंड्स पे चली जाती थी, उनको चाय बना के देना, उनके साथ बैठना। उस वक्त मेरे बाल बड़े ज़्यादा होते थे और उन्होंने मेरे प्लीक्स बनानी, बातें करनी, और मेरे अबू मुझे कहते थे ये देखे ना ये जाके उनके साथ जाके बातें करती, दे वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉट इट वॉज लाइक टू लूज योर लव्ड वंस एंड हाउ दे सफर्ड। मेरे ख्याल से यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। तो उसके अलावा जब क्रिसमस का टाइम आता था आई वुड वॉलंटियर फॉर द स्पेशल नीड्स, वहाँ जाके उनका जो हॉल था उनको डेकोरेट करना, उनके पार्सल्स को रैप करना, फिर वहाँ जाके पार्टी में हेल्प करना, दिस वाज सम ऑफ द वर्क दैट आई यूज्ड टू डू बिकॉज वहाँ और कुछ नहीं था करने वाला। उसके बाद शादी के बाद बच्चों के साथ साथ मैंने पहले इनके साथ काम किया, एंड देन व्हेन माय सन वाज बोर्न आई हैड फाइजा माय डॉटर शी इज द एल्डेस्ट एंड देन आतिफ वाज बोर्न, मेरी मदर इन लॉ मुझे कहने लगी कि अब मैं दो बच्चों को नहीं संभाल सकती, आप है ना जाया करें और मेरे साथ घर पे रहा करें। उस वक़्त देन एक स्कूल था बिल्कुल घर के सामने,
तो मैं वहाँ गई, मैंने हेडमास्टर को कहा भी मैंने मदर एंड टॉडलर्स ग्रुप यहाँ शुरू करना है, बिकॉज मैंने ये देखा दर वॉज अ गैप बिटवीन द इंडिजिनस कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी. हमारे लोग आपस में ही रहते थे, दूसरे लोगों को मिलते नहीं थे, एंड आई वॉन्टेड सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन एंड हारमनी. उन्होंने फ़ौरन मुझे कह दिया भी आप ये हॉल ले लें और यहाँ आप है ना मदर एंड टॉडलर ग्रुप शुरू कर लें. तो मैंने जो पूरी स्ट्रीट थी मेरी उसमें हर डोर पे मैंने नॉक किया, उनको मैंने इनवाइट किया भी हमने यहाँ मदर एंड टॉडलर ग्रुप शुरू करना, तो जो आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते वहाँ लेके उनको आ जाना. सो दैट वाज द बिगिनिंग. फिर हमने एक ग्रुप बना लिया, मदर एंड टॉडलर्स ग्रुप शुरू हो गया. फिर वही हेडमास्टर मुझे कहने लगा भी हमारी जो पेरेंट्स टीचर्स थी, टीचर्स एसोसिएशन है, उनके एक मेम्बर बन जाओ. सो आई बिकेम द मेम्बर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज द ओनली मुस्लिम वुमन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. बट देन वी इनवाइटेड अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप एंड आई रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. जितनी देर तक मेरे बच्चे दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई जॉइंड ईच ऑर्गेनाइजेशन. जब मेरे बच्चों ने यहाँ जहाँ मेरे बच्चे जाते रहे, वी वुड फंड रेज फॉर द स्कूल. स्पोर्ट्स डे हो गया, हेल्प की दूसरा हो गया, फर्स्ट एड के कर लिया, चाय बना ली, दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्क आई डिड. देन माई एल्डर सिस्टर, शी वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड शी सर्वाइव्ड ब्रेस्ट कैंसर. बट देन आई स्टार्टेड फंड रेजिंग फॉर कैंसर अवेयरनेस एंड फिर उसके बाद हमने एक ग्रुप बना लिया, ग्लासगो वुमेन वुमेन एसोसिएशन, ग्लासगो मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन. उसमें जितनी भी आ रही बहनें थी जो ज्वाइन करना चाहती थी, तो हमने खाना घर से बनाना, मस्जिद में जो हॉल होता था उसमें हमने फंड रेजिंग करनी. कभी हम मस्जिद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कभी हम गाज़ा के लिए, कभी हम कश्मीर के लिए, कभी हम बॉस्निया के लिए. सो दिस वाज द रोल दैट वी प्लेड एज अ कम्युनिटी, नॉट ओनली माई सेल्फ बट एज अ कम्युनिटी. इसका मतलब है कि ये बीज आपके तभी से बोए हुए थे, जो इस वक्त भी आप जो कर पा रही हैं वो उसी के शजरे सायादार हैं जिनको देख रहे हैं. फिर उसके अलावा सदर साहब जब पॉलिटिक्स में गए एंड ही वॉज द फर्स्ट मेम्बर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज इलेक्टेड, तो उस वक्त भी मैंने आई डिड अ लॉट ऑफ कैंपेनिंग, टेलीफोन बैंकिंग, डोर टू डोर बैंकिंग, औरतों को ग्रुप्स बनाना, उनकी ट्रेनिंग करनी भी हमने डोर टू डोर कैसे करना है, टेलीफोन बैंकिंग कैसे करनी, लीफलेट कैसे हमने फोल्ड करके कितने लोगों को हमने भेजना, बिकॉज वी हैड टू रीच दोज पीपल. बिकॉज कुछ लोग काम पे जाते थे, दे डिडंट आंसर द फोन. सो आई लर्न्ड अ लॉट थ्रू माई कैंपेनिंग. तो जब हम यहाँ आए गवर्नर हाउस में आने से पहले, I will be very honest. You were well prepared. I will be very honest. मेरा दिल नहीं करता था आने के लिए, क्योंकि मैं भी वही फिल्में देखती जो बाकी लोग देखते हैं, भी प्लीज को पैसे दे दो तो काम होता है, उसको पैसे दे दो तो काम हो जाता है, आपकी जगह होती तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है. इनको मैं नेगेटिव रिपोर्टिंग है ना बहुत ज्यादा हमारे बारे में, हमारी फिल्मों में भी होता है, दूसरा होता है. बिकॉज आई ग्रू अप देयर ऑल माई लाइफ, मेरा आना जाना रहता था. मैंने जितने भी बच्चों की शादियां की है सारी शॉपिंग मैंने यहाँ से की है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सपोर्ट माई कंट्री. तो यहाँ से जेवर, यहाँ से कपड़े, यहाँ से मैं लेके जाती थी. बट व्हेन आई वॉन्टेड टू कम हियर, तो इनको मैं कह रही थी वी बी वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर एंड वर्क. बट देन मैं हमेशा कहती हूँ भी अल्लाह ताला ने यहाँ इंसान का रिज़्क लिखा होता है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है. तो इंसान सोचता कुछ है, अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ होती है. तो अल्लाह की हर बात पे मैं तो राजी हो जाती हूँ. हमें मुश्किल लगता है फौरी तौर पर उस बात को समझ सकना जो अल्लाह ताला हमारे लिए कर रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली जब हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला है तो हम कहते हैं वाओ क्या बात है, हम जिससे रिलक्टेंट थे वही हमारे लिए सबसे अच्छा था. तो पाकिस्तान आके फिर आपको अच्छा लगा, गवर्नर हाउस में आपने कैसे स्टार्ट लिया? पाकिस्तान में जब मैं आई थी इन गवर्नर हाउस, जब मैंने देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग है मैं क्या करूँगी, आई रिमेन्ड थ्री डेज इन द वन रूम. तो वहाँ से गवर्नर विंग में जब हमने जाना था तो मैं कहती थी नहीं मैंने इधर ही रहना, मैंने गवर्नर विंग में नहीं जाना. बिकॉज मुझे यही था भी मैं कहाँ से शुरू करूँगी, क्या करूँगी, हाउ आई विल डू इट, यू नो द And there'll be a focus on me that I've come from a different country. I've lived all my life outside. But फिर मैंने उसके बाद एक दो दफ़ा गई हूँ, गाँव गई हूँ, तो वहाँ मैंने औरतों को देखा किस तरीके से वो रह रही है. Then I found a gap
in our society that gap needed to be filled. So I started working on that gap. And वो gap यही था, बहुत सारी हमारी talented बहनें हैं जिनके पास बड़ा talent है पर उनको सिर्फ और सिर्फ एक opportunity चाहिए. And उनका हर माँ की तरह, हर बहन की तरह उनका भी दिल करता है मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह पे हो जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ. सो दैट वॉज अ ह्यूज गैप दैट इज स्टिल रिमेन्स इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली. तो मैंने वहाँ से शुरू किया, हेल्थ कैंप्स शुरू किए लगवाने, फिर साथ साथ हुनर गा के नाम से मैंने वो स्लाइस सेंटर खोलना शुरू किया. एंड वी हैव ट्रेन 20,000 वुमेन थ्रू आवर हुनर गा प्रोजेक्ट. इट्स वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज. और जितनी भी बहनें हमारे साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने आगे से आगे अपने हालात बेहतर कर लिए. ये तो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, यानी आपने एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को बहुत बैकग्राउंड एरिया में ले जाके प्रैक्टिस किया और उसका रिजल्ट जो है वो निकला कि लोग ज़ाहिर आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं. कभी आपके बारे में बात होती है तो यही कहा जाता है कि आप बहुत लोगों के लिए पैशनेट होके काम कर रही होती हैं. तो मुझे ये बताएं कि जब आपको ये फील होता है कि नहीं अभी मैं इस गैप को, अगर ये 80% गैप था तो मैं तो हार्डली 5 या 10% ब्रिज कर सकी हूँ, तो फिर डिप्रेशन या टेंशन या अनइजीनेस नहीं होती? मैंने जब ये हुनर का खुला था, आप यकीन करें फॉर सम पीपल उनको लगता है ये सब सोइंग सेंटर है. मेरे पास ऐसी बहनें आती थी हु सफर डोमेस्टिक वायलेंस. वो बहनें आती थी, वो कहती थी रात को हम भूखे सो जाते हैं क्योंकि घर में खाना नहीं है. ऐसे लोग भी आते थे, वो कहते थे मेरे पास एक ही सूट है, मैं अपना दुपट्टा लपेट के अपने सूट को वॉश करके वो सूट मैं पहन लेती हूँ. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लोग जो मेरे पास आते थे. बाज़ बहनें ऐसे भी आती थी जिनके पास मेडिसिन नहीं होती थी अपने बच्चों को देने के लिए. एंड जब मैं सोचती हूँ यू नो दैट इवन इफ आई मेड अ लिटिल डिफरेंस फॉर समबडी दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. पर साथ साथ जब से हमने ये काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अबाउट 14 अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग विद अस ऑन हेल्थ ऑन एजुकेशन. यू हमारे कोऑर्डिनेट कर लिया ना, उन्होंने देख लिया कि ये काम हो रहा है तो उन्होंने अपने आप को आपके साथ कोऑर्डिनेशन में लिया है. yes. वो कहते हैं ना कि अच्छाई को अच्छाई खींचती है ना. जी. आप एक स्टेप लेते हैं तो फिर वो बढ़ता चला जाता है, मशरूम ग्रोथ होती है, लेकिन उसके पीछे आपकी अच्छी इंटेंशन जो है वो बहुत मैटर करती है. मैंने पाकिस्तान में ये देखा, हमारे मुल्क में ना तो जो लोग देने के लिए तैयार है ना उनकी कमी है, ना जो वॉलंटियर्स है ना उनकी कमी है. They just need to work together and to be able to work together. तो मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया, जब फर्स्ट करें हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, मेरे पास 30+ डॉक्टर्स होते हैं जो वॉलंटियर्स है जो काम करने के लिए तैयार होते हैं. क्या आप बताएं? और वहाँ जो हेल्थ कैंप होता है उसके अंदर हम हाइपेटाइटिस, पोलियो, कैंसर अवेयरनेस, गाइनी, बहुत सारे चीज़ें उसके रखते थे हम. 10-12 डिफरेंट हमारी जो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. जो मैंने शुरू किया तो मैं हर एक को कहती हूँ लेट्स वर्क टुगेदर. क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अभी कोविड के दरमियान हमने पंजाब डिवेलपमेंट नेटवर्क, सबर साहब इज द पेट्रन ऑफ पंजाब डिवेलपमेंट नेटवर्क, उसके अंदर 160+ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिल के काम किया. वी प्रोवाइडेड राशन टू ओवर 3 मिलियन पीपल. इसी का रिजल्ट है ना कि फिर हमारा मुल्क जो है वो इसको बीट करने में या इस किस जो दुनिया सारी में नंबर है हमारा बहुत प्रॉमिसिंग है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना को डील किया, उसमें आपकी भी खिदमात जो हैं वो भी शामिल हैं. अच्छा, हम थोड़ा सा आपकी फैमिली की तरफ आते हैं. आपके 4 बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? सबसे ज़्यादा बेटी के साथ. अच्छा. She is the, अभी भी वो लाडली है, she still rules the family. जो वो कहती है उसकी बात भी मानी जाती है, भाई भी उनकी सुनते हैं. शी इज़ द एल्डेस्ट, शी इज़ वेरी केयरिंग, माशाल्लाह लविंग. एंड अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जो मेरे बच्चे हैं. आतिफ जो सबसे मेरा बेटा, ही इज लाइक अ फादरली फिगर टू माई 2 sons एंड टू माई डॉटर इन लॉज. क्योंकि जब हमने आना था मैंने बच्चों से एक ही वादा लिया था,
उनको मैंने कहा था भी अगर हम पाकिस्तान में चले जाएंगे कोई काम मैं तो नहीं कर सकूंगी, अगर मुझे होगा भी मेरे बच्चों के दरमियान तफाक और सलूक नहीं, पैसे को इम्पोर्टेंस मत देना, रिश्तेदारों को पहले रखना, रिश्तों को पहले रखना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैं यही आपको आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने माशाल्लाह चार बच्चों को रेज़ किया और उनकी आपस की इतनी अंडरस्टैंडिंग है और आप भी बहुत अटैच्ड हैं उनके साथ और वो अपने फादर के साथ भी बहुत अटैच्ड हैं, ये जो एक आपने हार्मनी सबके अंदर, मैं समझती हूँ ये माँ होती है जो इसको सबसे ज़्यादा लेके चल रही होती है और उसमें बाप का भी मैक्सिमम रोल होता है जैसे कि आप बताती हैं आपकी ज़िंदगी में है, तो आप गाइड करें हमारे लोगों को कि ये सेटअप फैमिली का कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम इस नेटवर्क को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरे जो बच्चे थे जब वो छोटे होते थे उनको मैं सरवर साहब का यही था भी अगर झूठ बोलोगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, सच बोलोगे तो एक ही दफ़ा बोलना पड़ेगा। अच्छा उसके साथ मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये रखा था अगर फर्ज करें सगा साहब और इनके एक ही भाई या बहनी अगर इनके दरमियान कुछ भी हो जाए वी डोंट डिस्कस इट विद द फैमिली, और हमने अपने बच्चों को कहा जो आपके रिश्तेदार हैं आपने उनके साथ उसी तरह करना है, चाहे वो हमारे से नाराज़ है, चाहे हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके लिए वो आपकी फुफी है, चाचा है, ताया, मामू है, वट एवर रिश्ता, आपने वो निभाना है, क्योंकि अगर हम उनको उस बातों में डाल देंगे देन वी आर पुटिंग हेट्रेड इनटू देयर माइंड्स एंड हार्ट्स। तो इसी तरीके से हमने आगे रखा, आगे हमारी जो मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डॉटर इन लॉ जिधर मर्जी चली जाए, कोई भी बच्चा मेरे पास छोड़ के चले जाए दे आर क्वाइट हैप्पी, मेरे साथ रह लेते हैं बिकॉज़ वी हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बल्कि मेरे बेटों से ज़्यादा मेरी डॉटर इन लॉ मुझे ज़्यादा मैसेज करती है, मैं उनको फ़ोन करके उनसे बात कर लेती हूँ, बच्चों को देख लेते हैं, और हमने बारी रखी हुई आज हमने इस बेटे के साथ बात करनी है, आज हमने बेटी के साथ बात करनी है, ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने अबू से बात करनी होती है। सो दिस इज स्ट्रेंथनिंग द रिलेशंस, यानी आपस में आप लोगों ने इन टच रहना है और बड़ों की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो आगे नहीं लेके चलनी, बच्चों के मामू चाचा दादा दादी नाना नानी वो उनके हैं, वो उन्होंने अपने रिलेशन को खुद नर्चर करना है और इन्जॉय करना है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप दरमियान में अपने गुस्से अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो उनके तरफ नहीं टर्न करते, ये तो एक गाइडलाइन हो गई। दूसरा ये बताएं कि अगर अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे वैसे ही कम उनके पास वक्त होता है बड़ों के लिए, और आप कैसे एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, आपके तो हस्बैंड भी इतने मसरूफ़ हैं बच्चे भी सारे मसरूफ़ हैं, तो फिर कैसे एक दूसरे के लिए टाइम निकाल के तो सब गेट टुगेदर्स करते हैं। मेरा और सरवर साहब का हमारी कोशिश होती है हम नाश्ता इकट्ठा करें, और उसके अलावा ही इज़ वेरी बिजी, बाज़ दफ़ा ये घर में पौने बारह भी आते हैं, पर मेरी आदत है मैं इनके लिए जागती रहती हूँ, डेढ़ बजे आ जाएँ दो बजे आ जाएँ, अगर कभी कभार मुझे नींद भी आ जाए यूँ ही दरवाज़ा खुलकर मुझे पता चल जाए तो ये आ गए, सलाम दुआ मैंने ज़रूर करनी है, बट देन वी फाइंड टाइम, यू हैव टू फाइंड टाइम। इनको मैं कहती हूँ आज हमने बच्चों के साथ बात करनी है, जब हमने आज ये बात करनी है, बल्कि अगर कोई बच्चा मुझे फ़ोन भी करे तो मैं उनको कहती हूँ वी विल कॉल यू व्हेन योर डैड इज अवेलेबल, ताकि मैं चाहती हूँ दे शुड नो दैट हु इज़ द हेड ऑफ़ द हाउसहोल्ड। इवन जब बच्चे छोटे थे अगर उन्होंने कहीं जगह पर जाना है तो मुझे पता होता था भी ये जा सकते हैं सेफ, दे हैव दैट परमिशन, फिर भी मैं उनको कहती थी भी आपके अबू आएंगे हम उनसे पूछेंगे, अगर वो कहेंगे तो फिर आप लोग जाएंगे, बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ़ द हाउसहोल्ड। अगर फ़र्ज़ करें कभी कभार कोई फैसला करते हैं बिजनेस में, ना मेरी बहुएं इंटरफियर करती ना मैं करती हूँ, जो भी घर में फैसला करना होता है मेरे बेटे और ये कर लेते हैं, ये हमने बिज़नेस को इस तरीके से लेके जाना, हमने ये करना है। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी बात होती है तो मैं अगर ये कहते हैं आपके बच्चे कहते हैं उस वक्त आपके बच्चे हो जाते हैं ये तो टिपिकल वे है। यस, तो आपके बच्चे कहते हैं हमने ये करना है, तो अगर मैं इनको कहूँगी आपका क्या ख्याल है, ये आगे से अगर कहेंगे मेरा ख्याल है ऐसे होना चाहिए, तो मैं इनको कहती हूँ यू आर स्टिल द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आप कह दें मैंने ऐसे करना है, यू आर स्टिल द बॉस, यू आर स्टिल द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड वी विल डू व्हाटएवर यू से। अच्छा बताएं लड़ाई किस बात पे होती है? वक्त से,
टाइम के, क्योंकि टाइम एक दूसरे को हम दे नहीं पाते, तो फिर इनसे मैं कहती हूँ भी आप बता दें भी हमने लड़ाई करके टाइम लेना को, वैसे ही आप मुझे कुछ टाइम दे देंगे, ठीक है. बहुत अच्छी बात है. आप बताएं पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, इसमें आप क्या समझती हैं कि क्या चीज़ है जो हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद हो सकती है, हम क्या बेहतरी लाएं जिससे कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा? कोई एक बात जिससे आप समझती हैं कि हम ये कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान? अगर हमारे मुल्क में हम किसी की चीज़ के ऊपर कब्ज़ा ना करें, झूठ ना बोलें, और कोई भी काम हो, किसी का भी काम हो, उसको यही समझें भी आप, हमने उसको जल्द और जल्द करना. क्योंकि मैंने देखा बाज़ दफ़ा लोग 10-10 दफ़ा जाते हैं, फिर जाकर उनका काम होता है. हम अगर ये सोच लें भी हमने अल्लाह को भी राज़ी करना और किसी का काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जो उनके मुंह से दुआ निकलेगी, पता नहीं वो ही दुआ हमारे लिए कोई दूसरा, हमारे अगले जहान के लिए, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकता है. सो हर काम को अगर हम नेकी समझ के कर लें भी हमने किसी के काम करना है, जो अल्लाह ताला को भी अच्छा लगता है. क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था भी आप है ना झूठ भी बोल लें, करप्शन भी करें, उसको चीज़ों पर करें, बल्कि हमें अगर हम दीन को पढ़ें, अगर कोई ऑर्फन भी होता है, यतीम बच्चा होता है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी छोटी छोटी बात पे नेकियां जितनी रखी हैं, उसके सिर के ऊपर अगर हम हाथ फेरेंगे जितने उसके सिर के ऊपर बाल, हमारे गुनाह कम हो जाएंगे. सलाम हम पहले करते हैं, हमें 70 नेकियां मिलती हैं, छोटी छोटी नेकियां छोटी जिसको हम आराम से कमा सकते हैं और उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए. हम कहते नहीं वो ही पहले हमें बुलाए, हमें ये नहीं करना. सो लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, जो दीन हमारा सिखाता है. चले कोई पैगाम जो हमारे यंग जनरेशन को आपने देना हो, यंग गर्ल्स को देना हो. मैंने जो हमारी यंग जनरेशन, उनको मैं एक ख़ास बात कहना चाहती हूँ. इट्स वेरी ईजी टू गेट इन टू द रॉन्ग क्राउड. जैसे आजकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में है, अवॉइड करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने पेरेंट्स का ख्याल करें कि उनको आप कितने प्यारे हैं. डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू ड्रग्स. और अभी जो हमारे मुल्क में कोविड है, कोविड इज़ नॉट ओवर. आप मास्क पहनें और सैनिटाइज करें, क्योंकि मास्क जो हमारा दैट कैन हेल्प एंड सेव योर लाइफ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग और हमारे मुल्क में कभी जलसा हो रहा है, कभी ओवर क्राउडिंग हो रही है. कोशिश करना जब भी आप किसी को मिलते हैं कि डिस्टेंस के साथ मिलें और अपना मास्क पहन के रखें. अपने आप को भी प्रोटेक्ट करो, अपनी फैमिलीज को भी करो. थैंक यू वेरी मच बेगम साहब, आपने हमें इतनी अच्छी बातें दी, बताई, जो कि मुझे यकीन है कि अगर उस पर हमारे जनरली लोग प्रैक्टिस करें, फैमिली के हवाले से भी और यंग गर्ल्स अगर जो आपने एडवाइस किया उसके हवाले से भी, तो यकीनन बहुत बेहतरी आ सकती है. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया. जी तो नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसका ख्याल करें और उसको अपने साथ लेके चलें. दूसरा, उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज से ही जो सोशल वर्क किया उसका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगी में अभी तक है और वो बहुत बड़े बड़े काम इसी वजह से कर पा रही हैं कि उन्होंने शुरू से ही ये काम करने शुरू कर दिए थे. और आखिरी बात जो उन्होंने अपनी हमारी यंग गर्ल्स के लिए कही है कि उन्हें ये देखना है कि उनके वालदैन उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखें. ये जो डी ट्रैक होने वाला रास्ता है, यानी ड्रग्स की तरफ जाना, जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो चुका है, इससे बचना है. ये बड़ी ही पते की और काम की बातें हैं. सच और सही रास्ते का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, ज़िंदगी आपकी यकीनन कामयाबी के रास्ते पर चलेगी. इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहती हूँ. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह ने के बाद.